हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो फुल डे क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। फिर हम जाने वाले हैं स्कूल से श्री को पिकअप करके डायरेक्ट मॉल, और उसको सरप्राइज देंगे कि हम डायरेक्ट आपको मॉल लेकर जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मिलती हूँ फटाफट से आपको आपको सारे काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पे ना सुबह हो गई है और आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं उनको फ्रूट से देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में, क्योंकि बच्चे हैं ना आज खाने के बहुत ज़्यादा ऐसे मूड में नहीं थे। थोड़ा सा नारियल पानी पी के गए थे, तो मैंने यहाँ पे उनको पपैया और ड्रैगन फ्रूट्स और थोड़े से वेफल रख दिए, क्योंकि थोड़ा सा मीठा कुछ रखना चाहिए, अच्छा लगता है। क्योंकि अब हम भी खाना खाते हैं तो कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो वो हिसाब से मैं रख देती हूँ। थोड़ा मूड भी चेंज हो जाता है और बच्चों को ऐसे भी लगता है ना कि ये फिनिश करने के बाद हमको ये भी खाना है, तो वो चाव में भी खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ना, देखिए ये मूली का साग है। मैं इसको धोकर इस तरीके से चलनी में रात को ही रख दी थी। तो सुबह उठ के ना जब आपकी सारी चीज़ें रेडी होती है ना, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आप उसको अरेंज करो, टाइम से मैनेज करो, तो बहुत फटाफट हो जाता है। और अगर नहीं करके रखो तो, सच बता रही हूँ, जब मैं भी नहीं करके रखती हूँ तो मुझे भी इतना पछतावा होता है, ऐसा लगता है यार रात को क्यों नहीं किया मैंने। तो इस तरीके से देखिए, सुबह उठी और लहसुन मिर्ची और थोड़ा सा प्याज डाल दिया, और ये मैं बना रही हूँ मूली का साग, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बना रही हूँ। आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप इसको बनाकर खाओगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से करने आओगे कि आपने ये बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की थी। ये आप है ना टिफ़िन में भी दे सकते हो और दाल वगैरह पे भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी तो फेवरेट है, मैं जो रोटी के साथ घी लगा के मैं ये मूली का साग खा लेती हूँ, या तो फिर मैं पराठे के साथ इसको खाना पसंद करती हूँ। इसमें और एक चीज़ अभी आगे मैं आपको बताती हूँ क्या ऐड होगी। और दूसरी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पोहे बनाने की तैयारी कर ली है। तो इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ें रेडी करके रखो और फिर गैस ऑन करो, तो आपका जो टाइम है वो भी बचता है, आपकी जो गैस है वो भी बचत होती है गैस की, फिर और कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर पाते हो। जैसे अब देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ रेडी करके रखी है, तो मुझे याद आ गया कि भाई मैंने इसमें सौंफ तो रखा ही नहीं है, तो मैं फटाक से सौंफ भी थोड़ा सा यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि तड़के में पोहे के साथ बहुत अच्छा लगता है सौंफ। अगर आप नहीं ऐड करते हो तो ज़रूर से ऐड करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए, मैं है ना जब भी ऐसे काम करती हूँ तो मुझे ये धूप बत्ती लगाना बहुत पसंद है, क्या थोड़ा सा ना पता नहीं कि वैसे खुशबू के साथ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा ही आ जाता है, थोड़ा सा फ्रेश फील भी होता है और अच्छी एक घर में वाइब भी आती है। तो मैं ज़रूर से यहाँ पे धूप बत्ती एक लगा के रख देती हूँ, और जब तक मेरे ये सारे काम होते हैं तब तक मेरी धूप बत्ती भी मेरे इस काम के साथ ही बुझती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी इस मूली के साग में जब पानी पूरा सूख जाएगा पूरी तरीके से, तब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मूली की साग को ऐसे भी लाल करके खा सकते हो, लेकिन एक बार आप इस तरीके से 2 चम्मच बेसन ऐड करिए और उसके बाद आप मूली के साग का मज़ा देखिएगा। व्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे हमारी शॉपिंग देखने को मिलेगी। और हमने बच्ची को सरप्राइज़ दिया कि हम उसको मॉल लेकर जा रहे हैं, तो बने रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पोहा बनाने के लिए मैंने तड़के में डाला है सौंफ, कड़ी पत्ता, और फिर मैं ढेर सारे प्याज ऐड कर दूंगी। ये पोहा जो है ना, मैं आपको दिखा रही थी, ये जो मतलब गांव के हमारे जो पोहे होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये मुंबई के पोहे देखिए कितने बढ़िया रहते हैं, कितने फ्रेश रहते हैं, और काफ़ी अच्छे से ना चौड़े वाले भी रहते हैं, और खाने में भी इसके पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, और दोनों भी अच्छे लगते हैं, बट ये थोड़ा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और घर में, घर के जो गाँव वगैरह से चूड़े आते हैं ना, उनके मैं नमकीन बना लेती हूँ ताकि वो भी वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से अगर घर में कोई आने वाले रहते हैं इसी पोहे का इस्तेमाल करती हूँ, और ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज हमारा ना बहुत ज़्यादा आपको रेड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, बस थोड़े से ये हल्के गुलाबी हो जाए तो थोड़े से ये पक जाएंगे ना, तो अच्छे लगेंगे पोहे में। और अब आप इसमें ना थोड़ा सा ऐड कर दीजिए यहाँ पर हल्दी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि तेल में ना हल्दी पक जाती है ना,
तो पोहे में बहुत अच्छी रंगत छोड़ती है अपनी। और आप चाहें तो पोहे को धोते वक्त भी उसमें हल्दी और नमक मिला सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और हाँ, अगर आपको खट्टे मीठे पोहे पसंद है तो आप इसी टाइम पे इसमें थोड़ी सी शक्कर का भी ऐड कर दें। थोड़ी सी शक्कर डालने से इसमें और भी अच्छा फ्लेवर, नमकीन, मीठा, खट्टा ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा, क्योंकि हम नींबू भी डालेंगे दोस्तों, तो खट्टा मीठा सब फ्लेवर जो है इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ाई लगी डांस करने, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में पलटा, सो मैंने फ़ोन को रख दिया साइड में। फिर अब मैंने आज है ना ट्राईपॉड फिट ही नहीं किया था, और कोई था भी नहीं कि वो शूट करे, तो यहाँ पे एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं ट्राईपॉड पे रख देती हूँ और मेरी जो वीडियो है वो शूट होती होती है। पर देखिए कितना आलस आ रहा है, या कह सकते हैं कि कितनी जल्दी है फटाफट से बाहर जाने की। तो यहाँ पे मज़ेदार सा पोहा बन गया था, और हम सभी ने बहुत अच्छे से पोहा और चाय अपनी इंजॉय करी है। आप देख पा रहे होंगे पोहा बिल्कुल ऐसा चिपचिपासा नहीं बना है, एकदम खिलखिला बना है, काफ़ी मज़ेदार लगता है खाने में। पोहा हर किसी को पसंद आता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पोहा नहीं पसंद होगा। अगर कोई ऐसा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मुझे पोहा नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा तो फेवरेट है ये ब्रेकफास्ट में से। आप अगर मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि पोहा मुझे अच्छा लगता है चाय के साथ खाना। पोहा, पास्ता, मैगी पास्ता थोड़ा मैं कम खाना पसंद करती हूँ, पर पोहा, चीला, ये सारी चीज़ें तो मतलब हफ्ते में आप मुझे 7 डेज़ में से 7 डेज़ खिला सकते हो चेंज कर करके, मैं खा लूँगी मज़े से। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया पोहा बन गया है, और मैं इसको ही आपको दिखा रही हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे सब्जी के तरफ, क्योंकि वो सब्जी भी हमारी जो है ना वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और आपको सच बताऊँ, जो मूली का साग है ना वो मेरे घर में हर एक किसी को पसंद आता है, हर एक किसी का फेवरेट है। और बच्चे दोनों भी स्कूल गए हुए हैं, तो हमारा भी ऐसा था कि काम निपटा कर फटाफट से हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर बाकी के जो मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं वो मैं फटाफट से निपटा के मैं भी निकलूँ, उनको बच्चों को लाने भी, और वहीं से वहीं फिर हम चले भी जाएंगे। तो और आपको एक बात बताऊँ, मुझे शॉर्ट्स वीडियो पे किसी ने पूछा था कि आप स्किन केयर में क्या यूज़ करते हो, अपने स्किन पे क्या लगाते हो, तो ये पर्सनली भी पूछा जाने वाला सवाल है। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना स्किन रूटीन, जो कि ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शायद स्पेशल ना हो, पर कुछ लोगों के लिए स्पेशल है, तो उनको वेट है इस व्लॉग का, तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। और मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे उस वीडियो में ज़रूर से बताऊँगी, तो शायद वो आपकी वीडियो, आप लोगों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिस ना हो सके। यहाँ पर मज़ेदार सी चाय बन गई थी, और बढ़िया गर्मा गर्म मैंने दोथी भी बनाई थी, यानी कि पराठे डबल साइड के चिपकाए हुए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बना ली, और काफ़ी अच्छी फुली फुली रोटियाँ माता रानी की कृपा से बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ना वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, बट कोई बात नहीं, मतलब रोटी बनाते हुआ वीडियो और ये लोही का वीडियो थोड़ा सा एक आगे पीछे हो गया है। फिर हम निकल पड़े थे मॉल के लिए। यूनिफॉर्म में ही घूमेंगे है ना, यूनिफॉर्म में ही घूमोगी? ओ शिट। यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी अनुश्री के साथ, मैंने उसको मॉल में ड्रेस चेंज करा दिया था, मैं उसका ड्रेस लेकर आई थी, क्योंकि माँ हूँ तो भाई जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, और मैं नहीं रखती हूँ तो हस्बैंड भी मुझे याद करा देते हैं कि ये ले लेना, ये कर लेना। सो काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प करो। तो एनिमल का सॉन्ग सुनते सुनते पार्किंग एरिया पूरा कम्प्लीट हो गया था। श्री के हेयर जो है वो मैं अभी उसके हेयर जो आप देखोगे आगे वीडियो में चेंज कर दिया था। ये यहाँ पे कुछ नया ओपन हुआ था, प्ले एंड लर्न। तो यहाँ पे ना हम लोग कहाँ कहाँ गए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम मैक्स में गए, हमको वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, एक दो चीज़ें पैंट पसंद आई रेगुलर, तो हमने वो ले ली। उसके बाद फिर हम खाने चले गए, इतनी भूख लग गई थी हमको। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ना इंडियन नेवी का कुछ सेलिब्रेशन था, वो हो रहा था, तो यहाँ पे अनुश्री इन लोग ने भी फ़ोटो वगैरह खिंचाए। उसके बाद हम ये वहाँ से हम गए लाइफस्टाइल, फिर वहाँ से हम गए ट्रेंड्स, तो हमको वहाँ पे जो जो जमा हम लेकर आए वो आपको आगे बताती हूँ।
फिर हम घर आ गए थे। मैंने घर आकर साथ ही में सब्जियां साफ कर ली। तो आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, सब्जियां वगैरह जब भी आप इस तरीके से लाते हैं ना, तो कोई भी कैरी बैग, जैसे आपके घर में एक्स्ट्रा कैरी बैग आते हैं, तो इस तरीके से ना आप उसका यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि पेपर बैग कहीं भी आप ले जाओगे वो फट जाते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से ना मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई सब्जियाँ क्लीन करनी होती है, जैसे मैं टीवी देख रही हूँ और मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ भी, मतलब कि मेरा बिस्तर वगैरह ख़राब ना हो या टेबल ख़राब ना हो, तो मैं वहाँ पे ना इस तरीके से ये बैग्स बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर ही अपनी ये टोकरी वगैरह रख लेती हूँ। जैसे मिर्ची वगैरह क्लीन करनी है, धनिया वगैरह क्लीन करने हैं, और सब सारी चीज़ों को अरेंज करना है, सबको सबके डब्बे में रखना है। तो इस तरीके से ये जो थैली है ना, कैरी बैग है ना, इसका भी यूज़ हो जाता है, और आपका जो नीचे का चीज़ है, बेस है, वो भी गंदा नहीं होता है। तो ये अच्छी टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपको आपके डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट हम वो ध्यान नहीं देते और बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। एक कैरी बैग हमेशा रखिए छोटा सा, क्योंकि ये जो पॉलीथीन आती है छोटी वाली, ये प्लास्टिक की होती है और इनका यूज़ तो हम नहीं करते, पर डेली वेयर में ये सब आ ही जाती हैं, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह हम जैसे भी मंगाते हैं तो वो लेकर ही आते हैं। आप कितना भी मना करो तो दो चार चीज़ें हैं तो एक आधा दो लोग तो उसमें ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि धनिया मिर्ची अदरक वगैरह वो लोग ऐसे ओपन नहीं दे सकते, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही दे देते हैं। तो मैं इस तरीके से उनका यूज़ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अच्छे से उसको फेंक सकते हो। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, हम लोग आ गए मॉल से और बच्चों को एसी ऑन करके रख दिया, वो तुरंत ही सो गए। और शॉपिंग जो भी हमने की है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से शेयर कर दूंगी, बिकॉज़ अब भी हम एकदम टायर्ड हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और अगर नहीं शेयर कर पाई तो आप दिवाली व्लॉग में तो देख ही लोगे, बट कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से शेयर करूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की। और मैं बहुत ज़्यादा ना वीडियो भी नहीं बना पाई, थोड़े ही वीडियो बनाए, क्योंकि बच्चों को भी संभालना था, फिर शॉपिंग करो, फिर खाया, फिर नहीं हो पाता है, बच्चों को भी खिलाना था, सब कुछ था, तो नहीं कर पाए। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि बेस्ट टू बेस्ट व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इस दिवाली पे। तो आप लोग मुझे शेयर करिएगा कि आपको क्या रेसिपी देखनी है दिवाली की, जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ या बताऊँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर से कॉमेंट करिएगा, तो मैं आपको फटाफट से रेसिपी बता दूँगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।